जनता लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत में लानी का अध्यक्ष सत्यवती के पति देवेंद्र प्रताप बाबू पुत्र छोटे लाल उम्र 61 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 मेलानी खीरी कल शाम काल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है, जिसके चलते मेलानी में हड़कंप मचा है। पुलिस अधिकारी भी लगातार उनकी रहस्यमय गुमशुदगी को लेकर कई एंगल से उनकी तलाश में लगे हैं। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, पर अभी तक उनका कोई सुराग नहीं निकला है। परिजनों के अनुसार कल दिनांक 11 अक्टूबर को रात 7:20 पर अपने मिलने धीरू के साथ घर से बाजार जाने की बात कहकर गए, परंतु वापस नहीं लौटे थे। संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। मैं मुल्ता लखीमपुर का रहने वाला हूँ। ये चूँकि चेयरमैन साहब के जो मतलब पति हैं वो भी लखीमपुर के ही मूल निवासी। क्या नाम था इनके? देवेंद्र जी। तो क्या घटना घटी है सर? क्या घटना? ऐसा हुआ, रात 7:30 के करीब, 7:20 के करीब जी, एक धीरू नाम का लड़का जी जो मतलब घर पे आया और अक्सर उसी के साथ उनका आना जाना बाहर रहता भी था। कल 7:30 वही 7:20 के करीब वो धीरू के साथ गए। उसके बाद जहाँ भी रहे उसका अभी न तो हम लोगों के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ गए हैं, कहाँ बैठे, कहाँ उठे। हुआ ये कि 8:30 के बाद जी जब उनके फ़ोन नॉटिचेबल बताने लगे तो माननीय चेयरमैन साहिबा ने फ़ोन पर संपर्क करना शुरू किया। फ़ोन नॉटिचेबल बता रहे थे तो धीरू को फ़ोन किया गया, तो धीरू ने बताया कि मैंने उनको जो है उस गली में छोड़ दिया था जिस गली से वो रोज आते जाते हैं। उसके बाद से अभी तक कोई पता नहीं चला, क्योंकि घर में चेयरमैन साहिबा थी। इसके बाद जो लोग पहुँचे, थोड़ा सा एप्लीकेशन देने में विलम्ब हुआ जो 4:00 दी गई पुलिस को, लेकिन अभी तक पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 7:30 ऊपर अधिकारी को सूचित किया। कौन कौन अधिकारी को सूचित किए गए? मैंने एडिशनल साहब को फ़ोन किया, मैंने आईजी साहब को फ़ोन किया माननीय लक्ष्मी सिंह जी को जी, मैंने डीएम साहब को फोन ट्राई किया। तो सूचना कितने बजे सूचना थाने में दी गई थी? थाने में 4:00 दी गई प्रथम सूचना जी, लेकिन चूंकि घर पे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था जी, तो चेयरमैन साहिबा ने प्रथम सूचना अपने देवर डॉक्टर मुनीर प्रताप के द्वारा दिलवाई। आपकी एसओ साहब से बात हुई? एसओ साहब से भी मेरी बात हुई। अब से पुलिस किस एंगल पर काम कर रहे हैं? मैंने 7:00 बात की है। अभी तो गुमशुदगी के एंगल पे जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ है जी, और उसी एंगल से पुलिस देख भी रही है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है जी। लेकिन जिस तत्परता से काम होना चाहिए जी, जैसे कि अन्य घटनाओं में जी सच मिटाए गए जी, हमें आशंका है कि अगर इसमें पुलिस ने जरा सी भी देरी की तो सच मिटाने में कतई जो है अभी पीछे नहीं रहेंगे। क्या हम लोग जानना चाहेंगे क्या किसी मुझे आरोप किसी तरह का किसी पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन मुझे शंका है जी जो उनका नेचर था, जो उनका बिहेवियर था, मैलानी नगर पंचायत के अंतर अगर क्षेत्र के अंतर्गत कोई उनको बुरा या ऐसा नहीं कह सकता है, तो इसलिए हमें इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश की बू नजर आती है। और इस घटना का पर्दाफाश अगर 12 घंटे के अंदर नहीं हुआ मैडम, आप यहाँ चेयरमैन हैं शत्रुदी, ये रात में क्या घटना घटी है? हमारे जो चेयरमैन आपके हस्बैंड हैं, मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल गए थे जी 7:30 डेली आते हैं, अभी 2 दिन बीमार हो गए थे तो नहीं गए थे टहलने जी, तो बोल के गए थे कि अभी हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं जी, 8:30 तक आ जाते हैं। जी भी सीरियल आता है जोधा को, वो देखते हैं डेली, कहीं भी हों उतना टाइम घर पर जरूर आ जाते हैं जी। तो फिर हम लोग इंतजार करते रहे, खाना भी बना लिया, लड़का नहीं रहता, उसने भी बोला कि अंकल को फोन करते हैं 8:30 के बाद, तो मैंने कहा करो, तब तक हम रोटी सेकने चले गए जी। तो थाना मेलानी पर श्री मुनिंदर प्रताप द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके बड़े भाई देवेंद्र प्रताप कल शाम को घर से बाजार के लिए निकले थे और बाजार में अपना काम खत्म करने के पश्चात वापस घर नहीं पहुँचे। इस सूचना पर थाना मेलानी में तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई। क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में मेलानी पुलिस, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड श्री देवेंद्र प्रताप की तलाश कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि शीघ्र ही हम श्री देवेंद्र प्रताप को खोज लेंगे और वापस उन्हें उनके परिवार से मिला देंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन